शासन के नए गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में अब एक समय में सिर्फ 25 लोग ही शामिल होंगे, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत शादी समारोह में एक समय 25 लोग ही शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा तथा मास्क और सोशल डिस्टेंस बनाकर ही कार्यक्रम को संपन्न कराना होगा। एडीएम सिटी ने बताया कि मैरिज हॉल के एंट्री गेट पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना होगा, जिससे कि जो लोग मैरिज हॉल के अंदर जाएं उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, शासन ने कोविड को फैलने की दृष्टि में और कोई जो भी सोसाइटी में इसको रोकने के लिए एक निर्णय फिर से लिया है कि शादी में जो पहले निर्णय लिया गया था कि खुले स्थान पर एक शादी समारोह में वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों मिला के 100 लोग खुले लान में सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ शामिल हो सकते हैं, लेकिन और बंद स्थानों में जैसे बंद मैरिज हॉल में क्लोज रूम में अगर शादी हो रही है तो वहाँ पर 50 लोग वर और वधु दोनों मिलाकर हो सकते हैं अधिकतम। अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि एक वक्त में चाहे लॉन हो चाहे खुला बंद स्थान हो, केवल 25 लोग ही सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 100 में से अगर 20 लोग निकल जाते हैं तो उसमें से मात्र फिर 20 लोग मिला के 25 लोग ही लॉन में रहेंगे। इसी तरह से बंद कमरों के मैरिज हॉल में भी अगर 10 लोग बाहर आ गए हैं 25 में से तो नए 10 लोग उसमें जा सकते हैं, टोटल 50 लोग ही रहेंगे, इससे ज़्यादा किसी में बंद कमरों में नहीं रहेंगे और बाहर 100 अनुमति मिलेगी, लेकिन एक बार में 25 ही लोग रहेंगे उसका वहाँ पर।